हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ब्रिडा बुक के बारे में। इस बुक की जो प्रोटैगनिस्ट है, यानी कि इस बुक में जो लीड कैरेक्टर है, वो एक ब्रिडा नाम की लड़की है। इस बुक में एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपनी लाइफ में नॉलेज और फुलफिलमेंट को तलाश कर रही है। तो कहानी शुरू होती है ब्रिडा से, जब वो अपनी लाइफ में दो टीचर्स ढूंढ रही होती है। फर्स्ट टीचर है मेगस, जो आदमी है और वो एक जादूगर भी है। ब्रिडा मेगस के पास ट्रेडिशन ऑफ द सन सीखने जाती है। ये वो ट्रेडिशन है जो उसे हेल्प करता है अपने फियर्स को ओवरकम करने के लिए। लेकिन जब मेगस ब्रिडा से मिलता है तो उसे पता चलता है कि ब्रिडा ही उसकी सोलमेट है। ब्रिडा की दूसरी टीचर का नाम है विका, जो एक औरत है और वो ब्रिडा को ट्रेडिशन ऑफ द मून सिखाती है। इस ट्रेडिशन में इंक्लूड होते हैं कुछ रिचुअल्स, टैरो कार्ड्स को रीड करना सीखना और साउंड ऑफ द वर्ल्ड पे डांस करना। लेकिन ट्रेडिशन ऑफ द मून सीखने के बाद ब्रिडा को लगता है कि वो एक विच है, यानी कि हिंदी में बोलो तो वो एक चुड़ैल है। इसके बाद ब्रिडा को अपने पिछले जन्म की बातें याद आने लगती हैं। उसका पिछला जन्म 13th सेंचुरी में फ्रांस में हुआ था। वहां वो मॉन्सीगर के महल में थी, जहां उसे और उसके शहर के बाकी लोगों को मार दिया गया था। तब ब्रिडा ये डिसाइड करती है कि विच बनने की ट्रेनिंग ही लेनी चाहिए। इस स्टोरी में ब्रिडा एक अनसिंपैथेटिक और सेल्फ एब्जॉर्ब्ड कैरेक्टर है, यानी कि उसे दूसरों की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है और वो बस अपने ही बारे में सोचती रहती है। उसकी लाइफ में जो दूसरे लोग हैं, वो उनका यूज करती है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। इस स्टोरी में ब्रिडा अपने सोलमेट को भी ढूंढ रही है। ब्रिडा का एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है लॉरेंस, लेकिन ब्रिडा दो लोगों में कंफ्यूज है कि उन दोनों में से उसका सोलमेट कौन है, लॉरेंस या मेगस। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ब्रिडा विका के पास जाती है, और इस बुक की एंडिंग यही है जब ब्रिडा को पता चलता है कि उसका सोलमेट कौन है। ब्रिडा को ये पता चलता है कि प्यार हमारी लाइफ में दोनों चीजों को लेकर आता है, प्लेजर भी और पेन भी। मेगस के साथ ब्रिडा का एक अलग कनेक्शन होता है और वो मेगस से कहती है कि वो उसे कभी नहीं भूलेगी, लेकिन वो लॉरेंस से प्यार करती है और इसलिए एंड में वो लॉरेंस को ही अपना लाइफ पार्टनर चुनती है। ब्रिडा बुक हमें ये बताती है कि ये जरूरी नहीं है कि बस कोई एक ही पर्सन हमारा सोलमेट हो। हमारे एक से भी ज्यादा सोलमेट हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि हम अपनी लाइफ में कई सोलमेट से मिलें। इसके साथ ही ये बुक हमें ये भी बताती है कि हमारी लाइफ की एक डेस्टिनी होती है जो हमें अचीव करनी चाहिए, लेकिन जो डेस्टिनी तक पहुँचने का रास्ता होता है, ये जरूरी नहीं है कि वो रास्ता बहुत आसान हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय, लिव हैप्पीली।